नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं पढ़ने के लिए, जिनमें से एक मॉड्यूल है ध्यान आकर्षण। यह 4 पार्ट में डिवाइड है। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके IVS पोर्टल से आप पर कॉल आ रही है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पार्ट 2 में हम लर्निंग आउटकम की अवधारणा के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ अधिगम स्तर में अंतर जानेंगे, सीखने के स्तर का आकलन जानेंगे, बच्चों का चिन्हांकन और आधारभूत शिविर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग आउटकम एवं आकलन। आप भली भांति अवगत हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तकों का निर्माण विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी जो भी आपकी बुक्स बनाई जाती है, कार्य पुस्तिका बनाई जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन से लर्निंग आउटकम्स इस बुक से प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तकों या अन्य सहायक सामग्री के माध्यम से अपनी कक्षा शिक्षण गतिविधियों को संचालित करते हैं। जो भी उनको पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, शिक्षण विधियों का यूज करते हैं। वास्तव में कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक पक्ष यह है कि क्या बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। सबसे पहले हमें यही जानना पड़ता है कि जो हमने पढ़ाया, जो लर्निंग आउटकम्स हम लेकर चले, क्या वे दक्षताएँ बच्चों ने प्राप्त की या नहीं। अब आता है लर्निंग आउटकम या अधिगम संबंधी परिणाम। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देता है कि मात्र शिक्षक ही नहीं, अभिभावक भी यह जाने कि उसका बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है, उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। यानी कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं हमारे, इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे के शिक्षक ही नहीं, उनके अभिभावक को भी पता होना चाहिए कि उनका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, उस क्लास के जो लर्निंग आउटकम है उसने वो प्राप्त किए हैं या नहीं किए, उसके बच्चे को कितना आता है या उसने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब ये देखिए, एक कक्षा शिक्षण 2 तरह का हो सकता है। एक सामान्य कक्षा शिक्षण है जिसमें शिक्षक वॉक और टॉक के माध्यम से शिक्षण करता है, बात करता रहता है बच्चों को और पढ़ाता रहता है, और इसमें जो परीक्षा होती है वो अंक आधारित परीक्षा होती है। यानी परीक्षा का माध्यम जो है, प्रश्न पत्र दे देते हैं, उसमें अंक बच्चे के आ जाते हैं और परिणाम आपके संख्यात्मक, ज्ञानात्मक और सूचना का प्रगटीकरण ये हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण करेंगे तो उसमें ये आपका नवाचारी होगा, गतिविधियाँ होंगी और इसमें ICT होगा। इसके साथ साथ इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन होगा और परिणाम जो होंगे, विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति होगी, जैसे नवीन ज्ञान का सर्जन, नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास। अब आती है बात कि लर्निंग आउटकम क्या हैं। यानी लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आश्चर्य उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप, यानी जो उनका निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप जो अपेक्षित दक्षताएं हैं वो उसने प्राप्त करी है या नहीं करी, यानी प्राप्त करने पर वे परिलक्षित होती हैं, तो हम कह देंगे कि लर्निंग आउटकम हमारे प्राप्त हो गए हैं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। लर्निंग आउटकम की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और स्पष्टता से समझा जा सकता है। पहला है, लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने, यानी दक्षता का मूल्यांकन करने के काम आएंगे और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। यानी कि उससे आगामी जो शिक्षण प्रक्रिया चलेगी उस पर बल मिलेगा। दूसरा, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों एवं ICT का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
यह बच्चों को जानने समझने और पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क चिंतन और कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं जो लर्निंग आउटकम आपके होते हैं। आइए हम लर्निंग आउटकम को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नीचे कक्षा एक हिंदी विषय के कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। क्या लर्निंग आउटकम्स कक्षा एक के लिए हो सकते हैं? पहला लर्निंग आउटकम, बच्चे परिवेशीय ध्वनियों, बोलियों, वाहन घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं। यानी कि बच्चे को ध्वनि सुनाई दे रही है तो बच्चा उस ध्वनि को बता दे कि ये ध्वनि घंटी की है या किसी वाहन की है, ये भी एक लर्निंग आउटकम है। बच्चे प्रथम और अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हों, यानी उसकी प्रथम ध्वनि क्या है और अंतिम ध्वनि क्या है, जैसे पग, पर, पल, जग, इस तरह से। एक लर्निंग आउटकम कक्षा एक के लिए क्या हो सकता है? बच्चे वर्ण या अक्षर की आकृति को पहचानते हों, यानी उस वर्ण या अक्षर की आकृति कैसी है ये बच्चा हमारा पहचानता हो। नेक्स्ट है, बच्चे वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते एवं पढ़ते हों, यानी दो वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बना लेते हों और उसे पढ़ लेते हों, जैसे जल, हल, नल, चल। बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिख लेते हों, ये भी आपके लर्निंग आउटकम्स कक्षा एक के लिए हो सकते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग आउटकम दिए गए वही हो सकते हैं, आप अपने भी लर्निंग आउटकम्स बना सकते हैं कि इस क्लास में बच्चे पर ये आ जाना चाहिए। अब लर्निंग आउटकम के व्यावहारिक पक्ष को एक उदाहरण से समझते हैं कि लर्निंग आउटकम्स बच्चे ने प्राप्त कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके व्यवहार में वो लर्निंग आउटकम आ गया। कक्षा तीन में पढ़ने वाले विद्यार्थी को गणित की कक्षा में जोड़ घटानों पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। इसी कक्षा का एक छात्र राहुल बाजार में सामान लाने के लिए जाता है। यदि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही सही रख लेता है, यानी उसने सामान खरीदा और उसके बाद उसने कितने पैसे बचे उसका हिसाब उसने लगा लिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राहुल जोड़ घटाओ की संक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और वह उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है कि उसने सीख लिया है। इस प्रकार लर्निंग आउटकम्स हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। अगर हम लर्निंग आउटकम्स बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब आता है अधिगम स्तर में अंतर, यानी कि लर्निंग गैप। क्या होता है, हमने लर्निंग आउटकम और इसकी आवश्यकता क्यों है इस पर समझ बनाई। हमने यह जाना है कि लर्निंग आउटकम बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है, यानी लर्निंग आउटकम से आपको पता चलता है कि बच्चे ने वास्तव में कितना सीखा है। किसी भी शिक्षक के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। एक परिस्थिति पर विचार करते हैं, आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं तथा कक्षा आठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कक्षा आठ में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों ने कक्षा सात तक की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? अगर आप गणित पढ़ाते हैं तो आपके सामने समस्या आएगी और मैं जानता हूं सभी शिक्षकों का इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि जब हम कक्षा आठ में प्रवेश करते हैं, बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमें अंदर से महसूस होता है कि बच्चे ने कक्षा सात का उस पर नहीं आता। इसी प्रकार यदि आप हिंदी या अंग्रेजी या विज्ञान के शिक्षक हैं तो आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों ने कक्षा सात तक के संबंधित विषयों की मूलभूत दक्षताएं प्राप्त की है। ज़्यादातर शिक्षकों का उत्तर ना में होगा। इस संबंध में सरकारी स्कूलों में किए गए अध्ययन भी यह बताते हैं कि बच्चों की वास्तविक अधिगम स्तर, यानी वास्तव में उन पर कितना आता है, और कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर होता है। यानी कि जो कक्षा में अधिगम स्तर उसका होना चाहिए और जो वास्तविक उसका है अधिगम स्तर, दोनों में बहुत अंतर है। इस अंतर को ही लर्निंग गैप कहते हैं। और जब इस तरह का अंतर आपको पता चल जाता है तो आपके पास सामने स्थिति क्या आती है? क्या आप ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे? शायद नहीं। आप पहले उस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे।
क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा? ऐसा भी नहीं है कि हमारा उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना है, या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। सीखने के स्तर का आकलन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप बच्चों की प्रकृति का आकलन कैसे करते हैं? सामान्यतः उत्तर होगा सत्र परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के माध्यम में। यदि किसी परीक्षा में एक बच्चा किसी विषय में 50 में 40 अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए बच्चे ने 50 में से 40 अंक प्राप्त कर लिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या नहीं आ रहा है, यानी कि क्या उस पर नहीं आ रहा है जो उसके 40 नंबर आ रहे हैं, और उस पर क्या आ रहा है कि उसके 40 नंबर आए हैं? क्या प्राप्तांक को देखकर आप बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है, या बच्चे ने उस विषय में कक्षानुरूप किन किन मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? आप नंबरों को देखकर कभी भी दक्षताओं के बारे में नहीं बता सकता कि उसने कौन सी दक्षता सीखी है और कौन सी दक्षता उसने नहीं सीखी है। अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों की वास्तविक सीख स्तर को नहीं बता पाता। यह इतना बताता है कि बच्चे ने 70% या 80% अंक प्राप्त किए, और उससे माना जा सकता है कि बच्चे ने लगभग इतने प्रतिशत पाठ्यक्रम को समझा भी है। कोई शिक्षक यदि ज़्यादा ही जिज्ञासु है तो उत्तर पुस्तिका को देखकर यह भी जान सकता है कि बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया। इससे आगे इस प्रकार के मूल्यांकन का और कोई उपयोग नहीं होता है, यानी कि हमें लर्निंग आउटकम्स नहीं पता चल पाते। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को समझने और इसे कम करने में मददगार नहीं है। अब आप निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित, जो क्लास का होता है, अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य अंतर को आखिर कैसे पता करें कि कितना अंतर है, आखिर कौन से मेथड हम यूज किए जाएं। इसके बाद एक प्रश्न और भी है, अधिगम स्थिति में अंतर को ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आपको पता चल गया कि कितना अंतर है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अधिकांश शिक्षकों के लिए परेशानी यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को कैसा पूरा कर पाएंगे। मान लीजिए अगर उनके अधिगम स्तर में ही अंतर है तो वे वर्तमान कक्षा में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसको कैसा पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वो पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। इस प्रकार यदि बच्चा एक या दो अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग या बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ विद्यार्थी भाग के प्रश्न करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, भले ही वे 6th या 7th क्लास में पहुंच गए हों, यद्यपि उन्हें गुणा करना अच्छे से आता है। ये परिस्थितियां एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिनाई पैदा करती हैं। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है पहले बच्चों का चिन्हांकन किया जाए, कि बच्चों को देखा जाए कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में हमें क्या करना है, आपकी कक्षा, ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए है, ये भी आपका एक प्रश्न आ जाता है कि जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो किस क्लास के लिए है, तो 3 से 8 तक। 3 से 8 में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जब बच्चा प्रवेश करेगा कक्षा 8 में तो हमें पता करना है कि उसने 7 तक का उसका अधिगम स्तर कितना है। इससे आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। फिर आप आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि आपको अधिगम स्तर का पता चल गया कि उसका वास्तविक अधिगम स्तर कितना है, अधिगम में गैप कितना है, तो उसी आधार पर आपकी शिक्षण योजना आपको बनानी है और उसको अंतर को कम करने का प्रयास करना है। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा, जो आपने बनाए भी होंगे। इसके प्रश्न पिछली कक्षा की मूलभूत दक्षताओं यानी लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाए जाएंगे, यानी कि पिछली कक्षा के आधार बनाए जाएंगे। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पूर्व में ही बना लीजिए, यानी विषय एक विषय में क्या दक्षताएं हो सकती हैं इसकी पूर्व कक्षा की उनकी सूची बना लीजिए। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के बच्चों के आधारभूत आकलन पत्र में कक्षा 1 से 7 तक की
मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे, यानी 1 से 7 तक क्या दक्षताएं होनी चाहिए उन पर प्रश्न बनाए जाएंगे अगर आप कक्षा 8 का आकलन पत्र बना रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, यह अलग से अवश्य लिखा जाए, यानी कि जो आपने प्रश्न बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि यह प्रश्न किस लर्निंग आउटकम की को पूरा करता है, यानी किससे पता चल जाएगा कि यह लर्निंग आउटकम पूरा हुआ या नहीं। इसके बाद में शिक्षकों को यह जानने में आसानी होगी कि किस लर्निंग आउटकम पर बच्चों के साथ कार्य करना है। मान लीजिए वो प्रश्न बच्चे से नहीं किया या आपको पता चल गया ये लर्निंग आउटकम बच्चे का नहीं है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। साथ ही अधिगम स्तर के अनुसार उनके समूह निर्धारण में भी आसानी होगी, आप उनके समूह भी निर्धारण कर सकते हैं। प्रश्न बनाते समय जो आकलन पत्र आप बना रहे हैं यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्न शामिल हो, यानी कि चारों तरह के प्रश्न आपके शामिल होने चाहिए। कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक होना चाहिए, 50% बोधात्मक होना चाहिए, 20% अनुप्रयोगात्मक होना चाहिए और 10% तर्कात्मक प्रश्न होने चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो, प्रश्नों की संख्या अधिक भी नहीं होनी चाहिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे आसानी से हल नहीं कर पाएगा। भाषा यानी कि हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट आता है आरंभिक परीक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। जब हम आरंभिक परीक्षण करेंगे, हमने आकलन पत्र बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लें। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है इसकी भी एक सूची बना लें, यानी कि आपने प्रश्न बनाए उसकी भी एक सूची बना लें कि पहला प्रश्न जो है आपका इस लर्निंग आउटकम पर है। एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न हो, एक लर्निंग आउटकम के लिए आपका प्रश्न भी एक ही होना चाहिए। इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। आवश्यकता अनुसार आप प्रश्नों की संख्या को कम और अधिक भी कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक 75 अंक निर्धारित किया गया है। दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी कि आपके प्रश्नों के अंक 3 होंगे और 3 में आपका जैसा उत्तर बच्चे ने दिया है उसके आधार पर उसे आप अंक देंगे। प्रश्न पत्र की कुंजी जो आपके आंसर की है आप पहले से ही तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है आरंभिक परीक्षण के दौरान, यानी जब आपका परीक्षण चल रहा है तब आपको क्या करना है। परीक्षण शुरू होने से पूर्व शिक्षक कक्षा के माहौल को हल्का बनाए ताकि बच्चे सहज होकर प्रश्नों का उत्तर दे सकें, यानी कि बच्चों को दिक्कत ना हो कुछ भी। उन्हें यह बताए कि उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं, उन्हें पहले ही बता दिया जाए कि ये जो आपका परीक्षा ली जा रही है इसका वार्षिक परीक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फेल नहीं होंगे, आपको कोई नहीं, आप रिलैक्स होकर प्रश्नों के उत्तर दो। साथ ही यह किसी प्रकार से शिक्षक का मूल्यांकन भी नहीं है और ये मूल्यांकन शिक्षक का भी नहीं है। दूसरा, आरंभिक परीक्षा के समय बैठक व्यवस्था इस प्रकार की रखें कि बच्चे एक दूसरे की नकल ना कर सकें। तीसरा, शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रश्न को पढ़कर ना तो सुनाएं ना इसके बारे में कोई बात करें। इससे क्या होगा, बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं यह जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा हो कि यदि बच्चों के पास प्रश्न पत्र की एक कॉपी हो, सबसे अच्छा तो यही है कि एक एक फोटोस्टेट बच्चों को मिल जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्नों को साफ साफ अक्षरों में श्यामपट पे लिख दें। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी या अतिरिक्त पन्ने हों। अब आता है आरंभिक परीक्षण, जब आपका खत्म हो गया उसके उपरांत आपको समूह का निर्धारण करना है। परीक्षण के उपरांत बच्चों को उत्तर पुस्तिका में पहले से तैयार कुंजी के आधार पर जांचेंगे और अंक प्रदान करेंगे। उत्तरों के लिए 0, 1, 2, 3 अंक प्रदान करें आप, यानी कि एक प्रश्न है उसका उत्तर 0 भी दे सकते हैं आप, 1 भी, वो उसके आधार पर कि उसने बच्चे ने प्रश्न कैसे लिखा है। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए।
कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर ले जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उसके प्राप्तांक दर्ज हों, यानी एक सूची बना ले और उसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष अंक दे कि उस प्रश्न में उसको 0, 1, 2, 3 कितने अंक मिले हैं। जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों उसका अर्थ है बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों तो उसे वह आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है, और जिसमें 0 अंक मिले हों वह लर्निंग आउटकम उसने प्राप्त नहीं किया है। जिस लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को कार्य और सहयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि जिस प्रश्न में बच्चे ने 0, 1 और 2 अंक प्राप्त किए हैं उनमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों की एक सूची बना ली जाए। इस तरह से आप बच्चों की सूची बना लेंगे, यह तालिका आपकी समझ के लिए है। इसमें आप बच्चों की सूची बना लेंगे, उसमें लर्निंग आउटकम लिख लें, जैसे इसमें लर्निंग आउटकम है वर्णों को पहचान कर रहा है, अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो वो पूरा पहचान कर रहा है, 2 आ रहे हैं उसके नंबर यानी वो आंशिक रूप से पहचान कर रहा है, और 0 आ रहा है तो उसने वो लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया है। इस तरह से आप हिंदी, गणित सभी विषय के लर्निंग आउटकम्स के सूची बना लेंगे। उसके बाद सूची तालिका बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार जब आपने तालिका बना ली, आपने देख लिया कि इसको कितने अंक मिले, कौन सा लर्निंग आउटकम्स उसने प्राप्त किया या नहीं किया, उसके बाद बच्चों को समूह में विभाजित करेंगे। 3 समूहों में बच्चों को निर्धारित करेंगे, समूह ए, समूह बी और समूह सी। आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2 या 3 अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 अंक के मध्य होंगे, यानी जो बच्चों के 21 से 45 अंकों के बीच में नंबर आ रहे हैं उन्हें समूह ए में सम्मिलित कर लेंगे। आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक, यानी कि ज़्यादातर में उसके 1 अंक आ रहे हैं करने वाले कक्षा 3, उनकी प्राप्तांक 16 से 20 के बीच में आएंगे के मध्य होंगे, उन्हें समूह बी में सम्मिलित कर लेंगे। और समूह सी में उन बच्चों को जिनके अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 आ रही है, यानी कि इनके प्राप्तांक 15 या से कम है, इन्हें समूह सी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसी तरह से हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भी 3 समूह में बच्चों को विभाजित कर लेंगे, समूह ए जिनके 35 से 75 के बीच में अंक आएंगे उन्हें समूह ए में विभाजित कर लेंगे, यानी 2 और 3 अंक उन्हें मिल रहे हैं। इसी तरह जिनके 26 से 34 के मध्य अंक आएंगे उन्हें समूह बी में विभाजित कर लेंगे, यानी कि उनके ज़्यादातर लर्निंग आउटकम्स में 1 नंबर मिल रहा है। और समूह सी में यानी ज़्यादातर में 0 अगर उन्हें मिल रही है, यानी कि 25 या 25 से कम उनके अंक आते हैं, तो उन्हें समूह सी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। विशेष उसके बाद क्या करेंगे, 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर, यानी 50 दिन का फिर आप ध्यानाकर्षण शिविर चलाएंगे। समूह सी और समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। मान लीजिए बी है में है उसे ए में कर देंगे, सी में उसे बी में कर देंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर लागू रहेगी। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। उक्त परिणामों के आधार पर इसी प्रकार की एक अन्य सूची भी बनाए जिससे प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान बनाएं। यह सूची कुछ इस प्रकार आपकी बनेगी। इस तरह से आप सूची बना लेंगे कि बच्चों को वर्णों की पहचान कर रहा है, किस महीने में उसने पहचान की, इसमें महीना लिख देंगे, राइट का निशान लगा देंगे, जिस महीने में भी उसने वो लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है बच्चों की सूची बना लेंगे, आगे लर्निंग आउटकम लिख लेंगे विषय के और किस महीने में उसने वो लर्निंग आउटकम प्राप्त किया। इस तरह से आप इसकी सूची बना लेंगे। इस सूची में आप प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसने बच्चे ने 3 अंक प्राप्त किए यानी 100% अंक प्राप्त कर लिए सही का निशान लगाते हुए उस माह और वर्ष को इंगित कर ले जब आपने यह जांचा है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। यह तालिका हमें यह बताती है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है ताकि बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आरंभिक परीक्षण के परिणामों के आधार पर शिक्षक एक व्यापक योजना बनाए। बाद में शिक्षण के दौरान लगभग 50 दिन कार्य करने के पश्चात जब आप पुनः अधिगम स्तर की जांच करें तब इस सूची में प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसने बच्चे ने 3 अंक प्राप्त कर लिए हैं सही का निशान लगाते हुए पुनः उस माह और वर्ष को लिख दें।
अब आता है ध्यानाकर्षण शिविर। आपका ध्यानाकर्षण शिविर जो है 50 कार्य दिवस का होगा, सत्र के आरंभ में होगा। ये भी आपको याद रखना है, कब होगा ये सत्र के आरंभ में। सत्र के आरंभ में चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाएगा। इसे ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सत्र के प्रारंभ में ही इस प्रकार बच्चों के साथ कार्य करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी सहजता के साथ पूरा करने में लग जाते हैं। यानी कि अगर उनके लर्निंग आउटकम प्राप्त हो गए तो वे अगले साल जो जिस क्लास में आए हैं वहाँ के पाठ्यक्रम को भी सहजता से समझने लगते हैं। इस 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके, वर्तमान पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना हमें इसमें, चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किए जाएँ। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा। क्या बातें हैं इसके लिए? पृष्ठ 18 पर प्राथमिक स्तर पर नमूने के तौर पर समय सारणी दी गई है, जिसमें प्रतिदिन 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान या हमारा प्रवेश पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अवश्य कार्य किया जाएगा। चारों विषय में 1-1 घंटा जरूर कार्य किया जाएगा। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर अपनी कक्षा के बच्चों की आवश्यकतानुसार समूह में बांट लें। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित करके एक सूची बना लें। यानी जितने भी आउटकम हैं उन्हें 50 दिनों में आप विभाजित कर लीजिए। इस प्रकार यह तय कर लें कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर आपको कार्य करना है। प्रत्येक दिन के लिए अपनी एक व्यावहारिक शिक्षण योजना बना लें। इसके अनुसार आवश्यक अधिगम सामग्री की उपलब्धता पूर्व में ही निश्चित कर लें। बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक अभ्यास पत्रक यानी वर्कशीट भी पहले से ही तैयार कर लें। यह ध्यान रहे कि यह एक सामान्य कक्षा शिक्षण नहीं है, इसलिए इसमें शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि किसी बच्चे में हीन भावना न आ पाए। शैक्षिक सत्र के दौरान क्या करेंगे हम? सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रकृति का सतत आकलन करता रहता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं या फिर किन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार वह फेरबदल करने में मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेते हैं और उनका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। इससे बच्चों के कठिनाई स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को समाप्त कर देते हैं, जो आपका लर्निंग गैप आता है। साथ ही ये बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभा करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उनमें भी निरंतर सुधार करती रहे। यह प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया, इसलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव असिस्टमेंट भी कहते हैं। ये हमारा पार्ट 2 हुआ। अब पार्ट 3 में हम उन रणनीतियों और तरीकों पर चर्चा करेंगे जो ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक को अपनानी चाहिए। ये तरीके मुख्यतः एक शिक्षक को बच्चों की सीख स्तर के अंतर को कम करने में या उन्हें कक्षा अनुरूप स्तर पर लाने में सहायक होंगे। पार्ट 3 में हम यही पढ़ेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।